उनके अनुभव। अब स्वरूप स्थिति को समझें। प्रयत्न से जब विक्षिप्त चित्त को एकाग्र किया जाता है और फिर उसे निरुद्ध किया जाता है, तब सर्व वृत्ति निरोध हो जाने पर जो पुरुष का अपने स्वरूप में अवस्थिति हो जाना है, उसका नाम स्वरूप स्थिति नहीं है। उसका नाम पुरुष का अपने स्वरूप में अवस्थित होना है। स्वरूप स्थिति उससे बहुत ऊंची स्थिति है। जैसे विक्षिप्त भूमि चित्त को यदि हम किसी साधन विशेष से एकाग्र कर दें, तो थोड़ी देर एकाग्र रह जाने पर भी हम उसको एकाग्र स्थिति नहीं कह सकते। यह उसकी एकाग्र अवस्था ही है। अथवा एकाग्र भूमि चित्त को यदि हम प्रयत्न से वृत्ति निरोध द्वारा निरुद्ध कर दें, तो हम उसे निरुद्ध भूमि चित्त नहीं कह सकते। यह उसकी निरुद्धावस्था है, निरुद्ध स्थिति नहीं है। इसी तरह जब तक हम चित्त को विक्षिप्त और एकाग्र स्थिति से किसी साधन द्वारा निरुद्ध करते हैं, तब तक हम स्वरूप स्थिति नहीं कह सकते। यह पुरुष का अपने स्वरूप में केवल अवस्थित होना मात्र है। जब चित्त की विक्षिप्त और एकाग्र भूमि सर्वथा निरुद्ध भूमि में बदल दी जाए, जब यह बिना किसी साधन के निरुद्ध रहने लगे, तब ऐसी अवस्था में जो पुरुष का अपने स्वरूप में स्थित हो जाना है, वही स्वरूप स्थिति है। स्वरूप स्थिति वाले की पुनः इतर स्थिति कहना पूरी पूरी भूल है, क्योंकि स्वरूप स्थिति स्वाभाविक स्थिति है। वह बदल नहीं सकती और जब तक वह स्वाभाविक नहीं, तब तक स्वरूप स्थिति नहीं कहला सकती। अतः स्वरूप स्थिति वह स्थिति है जबकि चित्त की विक्षिप्त और एकाग्र भूमि पूर्ण रूप से निरुद्ध भूमि में बदल चुकी हो, और ऐसी स्थिति में चित्त वृत्ति निरुद्ध सहज ही स्वाभाविक ही अनायास ही रहने लगी हो, और इसलिए उसे किसी प्रकार के भी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं रहती है। ऐसी स्थिति आने पर जो पुरुष का सहज ही स्वाभाविक ही अनायास ही अपने स्वरूप में स्थित हो जाना है, वही स्वरूप स्थिति है। स्वरूप स्थिति तो उस स्थिति का नाम है जहां चित्त अनायास ही सहज ही स्वाभाविक ही निरुद्ध स्थिति में रहता हो। पुरुष की स्वरूप में अवस्थिति और स्वरूप स्थिति में बड़ा भारी अंतर है। पहली प्रयत्न की अवस्था है, दूसरी सहज स्थिति है। इतना और याद रहे कि ऐसी स्थिति आने पर जिस जिज्ञासु की स्वरूप स्थिति हो गई हो, उसको भोगवश कोशमयी अवस्था में भी प्रारब्धा अनुसार यद्यपि आना पड़ता है, परंतु उस समय से पहले, क्योंकि वह स्वरूप में स्थित था और भोग समय के समाप्त हो जाने के बाद वह स्वरूप स्थिति में ही रहता है, इसलिए भोग काल की स्थिति भी उसकी स्वरूप स्थिति ही कही जाएगी। भोग से पहले तथा भोग के पीछे जिसकी स्वरूप में स्थिति है, वह भोग काल में भी स्वरूप में स्थित कहा जाएगा। यद्यपि यह भोग भोगते समय कोशमयी हालत में है, परंतु वह उसकी कोशमयी अवस्था है, कोशमयी स्थिति नहीं। जैसे एकाग्र भूमि चित्त को जब हम प्रयत्न से निरुद्ध कर देते हैं, तब वह उसकी निरुद्ध स्थिति नहीं, वरम निरुद्धावस्था है। इसी तरह स्वरूप स्थिति वाले को जब जब भी भोगवश कोशमयी हालत में आना पड़ता है, तब तब वह उसकी कोशमयी अवस्था ही कही जाएगी, न कि कोशमयी स्थिति। स्थिति तो उसकी स्वरूप स्थिति ही है, और उस कोशमयी अवस्था में भी वह तभी तक आता है जब तक भोग समाप्त हो जाने पर वह सदा के लिए अपने स्वरूप में सुप्रतिष्ठित नहीं हो जाता है। अर्थात जब तक व्युत्थान चित्त की दशा में वृत्तियों का निरोध क्रिया जन्य हो, प्रयत्न से हो और स्थाई दृढ़ भूमि स्वाभाविक सहज और स्वयं होने वाला न हो गया हो, तब तक वह निरोध की अवस्था अथवा स्वरूपावस्था है।
निरोध की स्थिति अथवा स्वरूप स्थिति नहीं है, बल्कि उस समय तक व्युत्थान की ही स्थिति है, जो कि स्वाभाविक और दृढ़ भूमि बनी हुई है। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध स्थाई और दृढ़ भूमि हो जाए और बिना किसी क्रिया और प्रयत्न के स्वाभाविक सहज ही प्रतिक्षण बना रहे, तब वह निरोध की स्थिति अथवा स्वरूप स्थिति कहलाएगी। प्रश्न: क्या स्वरूप स्थिति हो जाने पर योगी के सब कार्य बंद हो जाते हैं? क्योंकि कोई भी काम बिना व्युत्थान की अवस्था के नहीं हो सकता। उत्तर: नहीं, बिना कर्म के कोई शरीरधारी नहीं रह सकता। न कर्मणाम न आरंभा नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्रुते न च सन्यसना देव सिद्धिम समाधि गच्छति। मनुष्य न कर्मों के न करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों को त्यागने मात्र से स्वरूप स्थिति रूप सिद्धि को प्राप्त होता है। न ही कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हवश्यः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुणेः। क्योंकि कोई भी किसी काल क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। निसंदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम च आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थन विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेन्द्रियों को रोककर इंद्रियों के भोगों का मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी असंयमी कहा जाता है। यस्ते विन्द्रियाणि मनसा नियमया रभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्म योगम सक्तः स विशिष्यते। और हे अर्जुन, जो मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेन्द्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह कर्मणः शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धे कर्मणे। तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संघ समाचार। यज्ञ अर्थात आसक्ति रहित निष्काम भाव से सब प्राणियों के कल्याणार्थ अथवा अपनी भोग निवृत्ति के लिए ईश्वर निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म में यह मनुष्य कर्मों द्वारा बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर। निरोध स्थिति अथवा स्वरूप स्थिति वाले योगी के कर्म भोग निवृत्ति अथवा परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हुए प्राणी मात्र के कल्याणार्थ ईश्वर निमित्त होते हैं। इन निष्काम और आसक्ति रहित कर्मों के करने में उसकी व्युत्थान की स्थिति नहीं होती, स्थिति तो निरोध की ही रहती है। यह उसकी व्युत्थान की अवस्था है, जो अस्वाभाविक अस्थाई और अदृढ़ तथा क्रिया जन्य है। ये कर्म निष्काम भाव से और आसक्ति तथा वासना रहित होते हैं, इसलिए आगे के लिए भोग और बंधन के संस्कारों के उत्पादक नहीं होते। इस स्वरूप स्थिति को गीता में समाधि स्थित और ऐसे योगी को स्थित प्रज्ञ के नाम से वर्णन किया है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिद्धि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। हे केशव, समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है? स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। हे अर्जुन,
जिस समय मन में इच्छित सब इच्छाओं को त्याग देता है, उस समय आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ, स्वरूपा स्थिति को प्राप्त हुआ, स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुख एश्वनु उद्विग्न मनाहा, सुखेशु विगत स्प्रह, वीत राग भय क्रोधह, स्थित धीमुर निरुच्यते। दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है मन जिसका, सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है स्प्रहा जिसकी, नष्ट हो गए हैं राग, भय और क्रोध जिसके, ऐसे मुनि को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यह सर्व त्राण भी स्नेह सतत प्राप्य शुभा शुभम नाभि नंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ तथा अशुभ को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, उसकी प्रज्ञा स्थिर है। यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से समेट लेता है, तब उसकी प्रज्ञा स्थिर होती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसो अपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के विषय निवृत्त हो जाते हैं, राग नहीं, और इस पुरुष का राग भी परम तत्व को साक्षात करके निवृत्त हो जाता है। यत्तो ह अपि कौन्ते पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरंति प्रसभ मनः। हे अर्जुन, जिससे यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को यह प्रमथन करने वाली इंद्रियां बलात् हर लेती है। तानि सर्वाणि सैमय युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्राणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उससे उन सब इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ मेरे परायण होवे, क्योंकि जिस पुरुष के इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी ही प्रज्ञा स्थिर होती है। या निशा सर्व भूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुनेह। सर्व प्राणियों की जो रात है, उसमें संयमी समाधिस्थ जागता है, जिसमें अन्य प्राणी जागते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि के लिए रात है। अर्थात सुषुप्ति अवस्था में सब प्राणी तमोगुण के प्रभाव से अंतर्मुख वृत्ति होकर हृदयाकाश में आनंदमय कोश में रहते हैं। तमोगुण के अंधकार के कारण ब्रह्मानंद में रहते हुए भी वे उससे वंचित रहते हैं, जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है, इमाहा सर्वाहा प्रजाहा सती संपद्य न विदुह सती संपाद्य मह इति। सुषुप्ति में ये सारी प्रजाएं सत ब्रह्म में रहते हुए भी नहीं जानते कि हम ब्रह्म में स्थित हैं। स्थित प्रज्ञ योगी सत्व गुण के प्रभाव से आनंदमय कोश अर्थात कारण शरीर में अंतर्मुख होता है, इसलिए ज्ञान के प्रकाश से ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है, यह उसका जागना है। जागृत अवस्था में सब प्राणी व्युत्थान दशा में रहते हुए सांसारिक कार्य करते हैं, किंतु स्थित प्रज्ञ योगी सब कार्यों को अपनी भोग निवृत्ति अथवा ईश्वर की ओर से कर्तव्य मात्र समझता हुआ ममता और अहमता से रहित अनासक्ति और निष्काम भाव से करता है। इससे उत्पन्न होने वाली वासनाओं तथा ममता और अहमता के भावों से न स्पर्श किया हुआ अंतर्मुख ही बना रहता है, इसलिए उसका जागृत दशा में कार्य क्षेत्र में रहना भी रात्रि की सुषुप्ति अवस्था के सदृश है, क्योंकि उससे भोग दिलाने वाली वासनाएं तथा संस्कार चित्त में नहीं पड़ते। ये योगी जो स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहले जिनके कर्म केवल
भोग निवृत्ति के लिए ही होते हैं। दूसरे वे योगी जिनके कर्म भोग निवृत्ति तथा निष्काम आसक्ति रहित परमात्मा की आज्ञा पालन करते हुए समस्त प्राणियों के कल्याणार्थ ईश्वर अर्पण होते हैं। दो प्रकार की मुक्ति। इसी के अनुसार इन दोनों प्रकार के स्वरूप स्थिति वाले योगियों की मुक्ति भी दो प्रकार की होती है। प्रथम प्रकार के योगियों की मुक्ति में चित्त को बनाने वाले गुण अपने कारण में लीन हो जाते हैं, जो सांख्य और योग का कैवल्य है। दूसरे प्रकार वालों की मुक्ति में चित्त सत्व अपने स्वरूप सहित ईश्वर के विशुद्ध सत्वमय चित्त में लीन रहता है। ईश्वरीय नियमानुसार जब जब उनकी आवश्यकता होती है, तब तब वे संपूर्ण प्राणियों के कल्याणार्थ तथा संसार में धर्म मर्यादा स्थापन करने के लिए शुद्ध चैतन्य स्वरूप से शबल स्वरूप में भौतिक जगत में अवतरण करते हैं। जिस प्रकार स्वरूप स्थिति प्राप्त किया हुआ योगी असंप्रज्ञात समाधि से व्यवहार दशा में आता है, यथा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानां सृजामह्यं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, अर्थात शुद्ध स्वरूप से शबल स्वरूप में आता हूँ। सज्जनों की रक्षा के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए धर्म स्थापन करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। यहाँ यह भी बतला देना आवश्यक है कि आना जाना, बंधन और मुक्ति आदि सब क्रियाएं अंतःकरण में होती हैं। चेतन तत्व उनका केवल साक्षी, अप्रसव धर्मी, अपरिणामी, निष्क्रिय, नित्य, सदा एक रस रहता है। उसमें बंधन तथा मुक्ति का होना विकल्प से आरोप किया जाता है, जैसा कि सांख्य सूत्र में बतलाया गया है। वांग मात्रम न तु तत्वम चित्त स्थिति। पुरुष में बंध आदि कथन मात्र है, क्योंकि चित्त में ही बंध आदि की स्थिति है। इन निर्मल, विशाल, ज्ञानवान, शक्तिशाली, ऐश्वर्यवान, वैराग्य युक्त चित्तों में यद्यपि अविद्या आदि कलेशों का बीज सर्वथा दग्ध हो गया है, किंतु संसार के कल्याण के संस्कार शेष रहते हैं, जिनके कारण ईश्वरीय नियमानुसार समय समय पर उनका प्रादुर्भाव होता है। इन्हें इस संकल्प को हटाकर चित्त बनाने वाले गुणों को अपने कारण में लीन करके कैवल्य प्राप्ति का सर्वदा अधिकार रहता है। जिस प्रकार विदेह मुक्त और जीवन मुक्त इन दो प्रकार के भेदों में उन जीवन मुक्त योगियों को भी मुक्त माना जाता है, जिनके चित्त के बनाने वाले गुण अपने कारण में लीन नहीं हुए हैं, किंतु उनमें अविद्या आदि कलेश सर्वथा दग्ध बीज होकर पुनः बंधन रूप अंकुर के उत्पन्न करने में सर्वथा असमर्थ हो गए हैं। इसी प्रकार यहाँ भी मुक्ति के इन दोनों भेदों को समझ लेना चाहिए। उपसंहार। पूर्व अधिकार किए हुए योग का लक्षण, चित्त वृत्ति निरोध, इन पदों का व्याख्यान, अभ्यास और वैराग्य रूप दोनों उपायों का स्वरूप और भेद कहकर संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात भेद से योग के मुख्य और गौण भेद को कहकर योगाभ्यास को दिखलाते हुए विस्तार से उसके उपायों को बतलाकर और सुगम उपाय होने से ईश्वर का स्वरूप, प्रमाण, प्रभाव और उसका वाचक नाम तथा उपासनाओं को बतलाकर और उनके फलों का निर्णय कर फिर चित्त के विक्षेप और चित्त विक्षेप के सहकारी दुख आदि को कहकर और विस्तार से चित्त विक्षेप आदि को हटाने वाले एक तत्व के अभ्यास, मैत्री, करुणा आदि और प्राणायाम आदि को कहकर
तथा संप्रज्ञात असंप्रज्ञात दोनों अंग रूप विषयवती वा प्रवृत्ति आदि विषयों को कहकर और उपसंहार द्वारा अपने अपने विषय सहित अपने स्वरूप और फल सहित समाप्ति को कहकर संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात की समाप्ति कर सबीज समाधि पूर्वक निर्बीज समाधि कही गई है। यह उपसंहार केवल सूत्रों का है। चित्त तथा सृष्टि क्रम का विस्तार के साथ वर्णन, कोशों द्वारा अभ्यास की प्रणाली तथा कोशों की विस्तृत व्याख्या, संप्रज्ञात समाधि की भूमियों, असंप्रज्ञात समाधि और कैवल्य का विशेष वर्णन, भव प्रत्यय के संबंध में अयुक्त और विदेह तथा प्रकृति लय के प्रति संकीर्ण विचारों के निराकरणार्थ तथा युक्त और यथार्थ अर्थ के समानार्थ व्यास भाष्य, तत्व वैशारदी तथा योग वार्तिक का भाषा अनुवाद, गुरु का यथार्थ स्वरूप, प्रणव का वर्णात्मक तथा ध्वन्यात्मक स्वरूप, ओम स्थूल सूक्ष्म तथा कारण शरीर की व्याख्या, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तथा समाधि अवस्थाओं में भेद, सूक्ष्म प्राण स्वर स्वर साधन तत्व तत्व साधन चक्र चक्र भेदन कुंडलिनी शक्ति कुंडलिनी जागृत करने के उपाय, साधकों को आवश्यक चेतावनी और स्थित प्रज्ञ के लक्षण इत्यादि को भी उपसंहित कर लेना चाहिए। इस प्रकार पातंजल योग प्रदीप में समाधि नाम वाले पहले पाद की व्याख्या समाप्त हुई।